दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि आईपीएल जो वीडियो होती है उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे वॉइस एडिटिंग करते हैं, कैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है वो कहाँ से लेनी है, और भाई अपनी स्क्रिप्ट के लिए जो स्क्रीन शॉट होते हैं, जो आपकी इमेजेस होती हैं, वो आप कहाँ से ले सकते हैं, प्रॉपर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको कंटेंट रिसर्च कैसे करना है और भाई आपको यहाँ पर इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है, वो भी मैंने प्रॉपर उसी वीडियो में बताया था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो उस वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में भी दोस्तों थोड़ा मोटा माटी दोस्तों इसमें बता दूंगा। देखिए दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। भाई कंटेंट रिसर्च के लिए आप जैसे आज तक न्यूज हो गया या फिर दोस्तों जितने भी न्यूज चैनल हैं उन्हें दोस्तों आप गूगल पर डाल लीजिए और भाई आप उसके सेक्शन में जाएंगे, स्पोर्ट्स के या फिर खेल के सेक्शन में जाओगे तो भाई आईपीएल से रिलेटेड या फिर क्रिकेट से रिलेटेड दोस्तों आपको बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी। बस थोड़ा आपको तड़का मसाला लगाना है और भाई कंटेंट जो स्क्रिप्ट होती है वहां से तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इमेजेस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई आपको यहां पर गूगल पर ही डालना है, जिसमें मेज से रिलेटेड आपको इमेजेस चाहिए वो आप गूगल पर डाल दीजिए और भाई आपको उससे रिलेटेड जो जितनी भी सारी इमेजेस आएंगी विराट कोहली की या फिर दोस्तों जो जो यहां पर मैच में खेल रहे हैं उससे रिलेटेड आप उनकी डाउनलोड दोस्तों इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मैच देखते हैं हॉटस्टार पर देखते हैं या फिर दोस्तों आप जियो सिनेमा ऐप पर देखते हैं तो भी दोस्तों आप जैसे उसकी हाइलाइट्स होती है उसके स्क्रीनशॉट दोस्तों यहां पर ले सकते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर मैंने ले रखे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप यहां पर जो आपकी वॉइस होती है उसे प्रोफेशनल कैसे यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है और भाई लेक्सिका करके एक यहां पर एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए दोस्तों यहां पर मैं अपने फोन की इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों चालू करके दिखा देता हूं कि वो एप्लीकेशन यहां पर चालू कैसे करनी है। देखिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये है वो एप्लीकेशन, इसको दोस्तों यहां पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं और भाई आपको यहां पर रिकॉर्डिंग करके भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से दोस्तों यहां पर ये आ जाएगा आपके सामने। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह दोस्तों यहां पर आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको सिंपल इस तरीके से पकड़ लेना है और भाई इसको पहले पकड़ने से पहले आपको यहां पर जाना है इस रेड वाले आइकन पर, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और भाई आपको जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, देखिए दोस्तों यहां पर मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट इस पर तैयार करके लिख रखी है ताकि आपका यहां पर टाइम वेस्ट ना हो और भाई आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास मेरे जैसा माइक है तो भाई अच्छी बात है, अगर आप नई शुरुआत कर रही हैं यूट्यूब पर काम करने के लिए नई शुरुआत कर रही हैं तो भाई आप सीधे फोन से भी दोस्तों एडिटिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और भाई एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे आपको बोलना है, थोड़ा दूर से दोस्तों यहाँ पर बोलना है, अगर पास रखोगे तो भाई आपको यहाँ पर जैसे आपकी जैसे आपकी यहाँ पर हवा की सांस जो होती है वो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में जो रिकॉर्डिंग करोगे आप यहाँ पर वॉइस उसमें आ जाएगी। थोड़ा दूर लाकर दोस्तों आप यहाँ पर बोलोगे तो भाई आपकी जो वॉइस है यहाँ पर अच्छे से रिकॉर्ड होगी। भाई मैंने पहले से ये सारे मटेरियल दोस्तों इकट्ठा कर रखे हैं ताकि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर कई ऐप का दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे VN ऐप हो गया, कैपकट हो गया या फिर दोस्तों यहाँ पर जो काइनमास्टर हो गया उसका भी दोस्तों आप यहाँ पर प्रॉपर यूज कर सकते हैं और भाई अपनी वीडियो को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। भाई आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनशॉट ऐप से कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास काइनमास्टर भी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस इनशॉट ऐप से एडिटिंग करके सिखाने वाला हूं, क्योंकि भाई इसमें आपको ना तो वाटरमार्क मार्क मिलता है, अगर आप नए हैं तो भाई आपको काइनमास्टर में अगर यूज करोगे तो भाई आपको वहां पर पैसा देना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इनशॉट ऐप से आप कैसे इसको प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैंने इनशॉट ऐप को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहां पर आपको वीडियो के सेक्शन में आ जाना है। दोस्तों यहां पर मैं न्यू के ऑप्शन पर जाऊंगा और भाई यहां पर आप देख सकते हैं मेरे सामने जो मैंने यहां पर अपने स्क्रिप्ट से रिलेटेड दोस्तों इमेजेस डाउनलोड कर रखी है या फिर स्क्रीनशॉट दोस्तों यहां पर ले रखे हैं वो मेरे सामने यहां पर आ जाएंगे। सिंपल दोस्तों आपको इनमें से जो जो आपकी स्क्रिप्ट से रिलेटेड दोस्तों यहां पर इमेजेस है उसको यहां पर डाउनलोड मतलब अपनी लेयर में लेकर आ जाना है। सिंपल मैं यहां पर क्लिक करके इनको लेकर आ जाता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर मैं इसको लेयर में लेकर आ जाता हूं। देखिए इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सही के निशान पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर जो हमारी इमेजेस है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। इस तरीके से दोस्तों आपको सारी इमेजेस को ऐड कर लेना है और सिंपल यहाँ पर कैनवा पर जाना है और भाई हर इमेज को यहाँ पर प्रॉपर बड़ा कर लेना है ताकि आपके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है इस तरीके से। फिर अगली इमेज पर जाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर कैनवा पर जाऊँगा और भाई इसको भी एडजस्ट कर लूँगा पूरे फ्रेम में दोस्तों इस तरीके से। थोड़ा नीचे बढ़ा दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जाऊँगा, इस वाली दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर है, यहाँ पर जाऊँगा तो भाई यहाँ पर भी कैनवा पर जाऊँगा और भाई इस तरीके से आपको इनको सही से कर लेना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने तरीके से। कैनवा पर जाएंगे और भाई इस तरीके से एडिट कर लेंगे। फिर अगली वाली इमेज दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर कैनवा पर जाना है और भाई एडजस्ट कर लेना है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से इनको छोटा बड़ा स्क्रिप्ट के हिसाब से दोस्तों कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से दोस्तों आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं जाऊँगा इसको भी कर लूँगा, यहाँ पर जाऊँगा तो भाई इसको कैनवा पर जाऊँगा और भाई इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी से दोस्तों यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ ताकि दोस्तों आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर लगा लेना है, जो भी आपकी यहाँ पर सारी इमेजेस है उनको यहाँ पर फैलाकर बड़ा कर लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, ये हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर लेयर में आ गई है। अब दोस्तों जो आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी, वॉइस रिकॉर्ड की थी, वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन पर जाएंगे। सिंपल दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और भाई यहाँ पर म्यूजिक का एक ऑप्शन बना हुआ है ये वाला। वैसे दोस्तों अगर आप लेक्सिका जो एप्लीकेशन है उसमें दोस्तों यहाँ पर मतलब वो नहीं करना चाहते, वॉइस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वॉइस को, यहीं से बोलना चाहते हैं, तो भाई आपके सामने एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और भाई आप अपनी स्क्रिप्ट यहाँ भी बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से स्क्रिप्ट उस लेक्सिका में दोस्तों एडिट कर रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। भाई यहाँ पर मैं म्यूजिक पर जाने वाला हूँ, मैं म्यूजिक पर क्लिक करूँगा और भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं RECIPL के नाम से दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है और सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और भाई यहाँ पर मैं यूज पर क्लिक करूँगा। सिंपल इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस का एक ऑप्शन है, सिंपल इसकी वॉइस यहाँ पर मैं बढ़ाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये स्क्रिप्ट पहले सुनाकर दिखा देता हूँ। उस वक्त मुकेश अंबानी का सब्र भी जवाब दे गया जब उन्हें पता चला कि रोहित शर्मा ने नीता अंबानी की सभी के सामने और इंसल्ट कर दी। देखिए दोस्तों कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर मेरी जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने की थी वो आपको सुनाकर दिखा दी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद इसको ओके कर लेना है। अब दोस्तों अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से जो आपकी इमेजेस है उनको यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। जब उन्हें पता चला कि अंबानी का सब्र भी जवाब दे गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रही है। सिंपल दोस्तों हम इसमें इमेज में जो की फ्रेम होता है उसको ऐड करने वाले हैं। वैसे दोस्तों अगर आप सिंपल यूज देखोगे, इसको चलाकर दिखा देता हूँ, तो भाई यहाँ पर इतनी अच्छी दोस्तों हमारी इमेज यहाँ पर नहीं लग रही है। सिंपल दोस्तों यहाँ पर मैं पहले इस क्लिप को जो हमारी इमेजेस है इसको छोटा करूँगा, यहाँ पर स्प्लिट पर जाऊँगा और भाई इसको डिलीट करूँगा। इसी तरीके से इस पर भी जाऊंगा, स्प्लिट करूंगा और भाई इस वाली इमेज को उसको डिलीट करूँ। जो आपकी बड़ी बड़ी इमेज है उनको दोस्तों हमको छोटा छोटा कर लेना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर की फ्रेम का यूज करने वाले हैं ताकि जो आपके यहाँ पर वीडियो है यहाँ पर बढ़िया से एडिट हो सके। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और भाई यहाँ पर आपके सामने की फ्रेम का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो गई है। फिलहाल इस वाले कॉर्नर पर जाऊँगा, इस पर जाऊँगा और बीच में करने के बाद इन दो उंगलियों से सिंपल इस वाली इमेज को पकड़ूंगा और भाई आप यहां पर इस तरीके से इसको की फ्रेम दे देंगे। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एक की फ्रेम ये रही, एक ये रही और एक ये रही। इसी तरीके से इस वाली इमेज में दोस्तों यहां पर की फ्रेम मैं देने वाला हूं। देखिए दोस्तों यहां पर जाऊंगा, यहां पर मैं इसको इस तरीके से दोस्तों यहां पर देने वाला हूं और भाई यहां पर मैं इस तरीके से इसमें देने वाला हूं। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं जल्दी जल्दी से पूरी इमेज में यहाँ पर की फ्रेम करके दिखाकर आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी सारी इमेजेस में ऐसे ही दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था इसी तरीके से की जो की फ्रेम है यहाँ पर ऐड कर दी है। अब मैं इस वीडियो को आपको चालू करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मुकेश अंबानी का सब्र भी जवाब दे गया जब उन्हें पता चला कि रोहित शर्मा ने नीता अंबानी की सभी के सामने। देखिए दोस्तों कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर मैं जाऊँगा और फिर से एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और भाई इसको यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर दूंगा ताकि यहाँ पर और अच्छा सा दोस्तों यहाँ पर लग सके। रोहित शर्मा ने, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और इंसल्ट कर दी और पूरे देश में इसकी चर्चाएं हैं।
यहाँ पर बात असीमितता पर आ गई थी, तभी मुकेश अंबानी ने चेतावनी देकर जो बात कह डाली उसे जानकर आप भी पकड़कर। अब दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पर एडिटिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज और है एनिमेशन की। दोस्तों यहाँ पर आपको एनिमेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आपकी वीडियो यहाँ पर और अच्छी यहाँ पर बन सके। यहाँ पर सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और भाई ट्रांजैक्शन जो आप देख रहे हैं सिंपल इस पर जाएंगे और भाई आप यहाँ पर इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन को दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ट्रांजैक्शन को दोस्तों यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला ऐड करने वाला हूँ, तो भाई यहाँ पर मैं इसको 2 सेकंड दोस्तों यहाँ पर कर लेता हूँ और ओके करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा इसको भी दोस्तों यहाँ पर इसको यहाँ पर और भाई अगर आप एक साथ सारे में ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हैं तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई आपको यहाँ पर सिंपल जाना है यहाँ पर इस वाले डबल टैप के ऑप्शन पर। सिंपल अगर आप इस पर टैप करेंगे और भाई आप यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर करेंगे तो भाई आपके जो सारी वीडियो है उस पर दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन। सिंपल इस पर करूँगा तो भाई हर जो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने यहाँ पर इमेजेस ऐड की थी तो भाई उनमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन लगकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो को चालू करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको चालू कर देता हूँ। जब उन्हें पता चला कि देखे दोस्तों ने नीता अंबानी की सभी के सामने देखे इंसल्ट कर दी और पूरे देश में देखे दोस्तों कितने शानदार तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दोस्तों हमने ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन लगाए हैं, जैसे की फ्रेम ऐड किया है, ऐसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है। मान लीजिए आपको इस वीडियो में कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो भाई आप यहाँ पर जाएंगे सिंपल इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर टी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और भाई यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो भाई आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ रोहित ROHIT रोहित शर्मा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दिया है और भाई यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा और भाई आप इसको छोटा बड़ा इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं, इसको कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप एडिट पर जाएंगे, यहाँ पर सिंपल इस पर जाएंगे एडिट पर और भाई यहाँ पर आप कलर के ऑप्शन पर जाएंगे तो भाई आप यहाँ पर इनमें से कलर कोई सा भी इसको दे सकते हैं। देखिए दोस्तों रेड, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसको ब्लू भी दे सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और भाई नीचे आप इसमें बैकग्राउंड भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला दे देता हूँ और भाई यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप इसको पूरी वीडियो में फैलाना चाहते हैं तो भाई आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से फैला सकते हैं। आप इस तरीके से दोस्तों आप इस वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर मान लीजिए कुछ ब्लर करना है तो भाई आपको ब्लर करने के लिए यहाँ पर आपको डिटेल के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो भाई आप यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको इस पर करूंगा तो भाई अगर आप मुकेश अंबानी का चेहरा ब्लर करना चाहते हैं जैसे मैंने उस पर क्लिक करा है तो भाई आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ब्लर हो गया है, ओके करूंगा तो भाई आप इसको पूरे में भी फैला सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप जो जो पार्ट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर दोस्तों ब्लर करना चाहते हैं उसको दोस्तों आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं शुरू में इसका चेहरा ही दोस्तों यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ब्लर भी कर सकते हैं चीज़ों को। भाई आप यहाँ पर स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन मिल जाएगा तो भाई अगर यहाँ पर आपको स्टिकर ऐड करना है स्टिकर पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ये वाला लगाना चाहता हूँ तो भाई ये भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। आप दोस्तों शेयर का लगाना चाहते हैं भाई ये भी लगा सकते हैं, ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ओके करके चलाकर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और भाई आगे की साइड जाता हूँ। और भाई आप अपनी वीडियो को जितना ज़्यादा यहाँ पर सजाओगे तो भाई उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस यहाँ पर इंगेजमेंट करेगी, आपकी वीडियो यहाँ पर देखने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तालियाँ बज रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आग लग जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आग आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप शेयर का बटन देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर शेयर का बटन आ गया है, ये वाला आप देख सकते हैं। आप दोस्तों अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर मैं थोड़ा आपको हिंट दिया है, लेकिन दोस्तों आप मेरे से भी अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है की फ्रेम ऐड लगाना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है एडिटिंग करना, ई फ्रेम ऐड कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन ऐड कैसे करते हैं, टेक्स्ट ऐड कैसे करते हैं और भाई यहाँ पर स्टिकर ऐड कैसे कर सकते हैं। और भाई आप इनमें यहाँ पर देख सकते हैं, आप इनमें यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं करोगे तो भाई आपकी वीडियो यहाँ पर अच्छी नहीं बनेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक पर जाऊँगा, फिर से दोस्तों म्यूजिक पर जाऊँगा और भाई यहाँ पर मैं भी म्यूजिक पर जाऊँगा तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से दोस्तों यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा। मैं इस पर क्लिक करूँगा यूज पर और भाई इसकी जो यहाँ पर वॉल्यूम होती है उसको यहाँ पर मैं
5 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। और भाई इसको पूरी वीडियो में यहाँ पर मैंने फैला रखा है, तो भाई आप अपने हिसाब से फैला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ओके करूंगा। अब दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, इनसोर्ट का यहाँ पर एक लोगो है, उसको आपको कैसे हटाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और भाई यहाँ पर आपको फ्री रिमूव पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री रिमूव का एक ऑप्शन है, सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई आपके सामने 20 से 25 सेकंड का एक ऐड आएगा, तो भाई आपकी वीडियो से जो ये इनसोर्ट का लोगो है परमानेंटली हट जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई आपके सामने ये यहाँ पर हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप इस वीडियो को सेव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव का, सिंपल इस पर जाऊँगा और भाई आपको एज इट इज जो इसकी रेगुलेशन है, फ्रेम रेट है, फॉर्मेट है, दोस्तों जो साइज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कितनी MB की दोस्तों आपके यहाँ पर वीडियो बनने वाली है। सिंपल आप इसको सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे और भाई इस तरीके से आपके यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो। राधे राधे, जय हिंद।